कालपासन सामगुन ठेवल तरी का लाइव हो गया क्या लाइव तो चल रहा है पर अपनी आवाज सब जा रही है हम्म जय भी नमो बुद्धाय नमस्कार मैं रमेश थेटे इक्वालिटी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से आपसे रूबरू हो रहा हूँ मेरे साथ मेरे सहयोगी सुधीर मेश्राम जी हैं आप हमारे जनरल एड़, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन हैं और साथ ही साथ इक्वालिटी न्यूज़ चैनल के एडिटर भी हैं और इस माध्यम से जो आप लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जो कल हमने वीडियो डाला था उसके अनुसार इस लकी ड्रॉ की कार्यवाही हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले मैं उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने वीआईपी आई पास बुक किए और जब जब हमने ये आवश्यक समझा तब तक आ, कोशिश ये हुई है हमारी तरफ से कि कोई भ्रम ना रहे सारी जानकारी आपको मिलती रहे और इस तरह से अभी तक का सफ़र रहा है मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ साथियों ने इस काम को मिशन समझकर कर वीआईपी पासेस बुक किए कुछ साथियों को ऐसा लगा कि उनको पुरस्कार मिल सकता है इनाम मिल सकता है इक्कीस लाख की राशि मिल सकती है और बाकी जो अन्य पुरस्कार हैं एक करोड़ का पुरस्कार फिर एक एक लाख के इक्कीस सौ पुरस्कार और आखिरी वाला पुरस्कार दो करोड़ का तो ये अट्रैक्शन है इसमें कोई शक नहीं है कुछ लोगों ने ये समझ के बुकिंग किया कि उनको फिल्म देखना है तो ऐसा मिक्स है रिस्पांस मिक्स्ड रहा है जैसा मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि टोटल जो पासिस बुक हुए हैं उसमें आज थोड़ी बढ़ोतरी हुई है कुछ डाक आज आई हैं तो उनको भी हमने आज सम्मिलित किया है कल का जो फिगर था सत्रह हज़ार छः सौ Uh, के आसपास तो उसमें uh, थोड़ी बढ़ोतरी हुई है आज सत्रह हुआ है लेकिन कल जो लगभग 15000 हज़ार काउंटर फाइल्स हमको मिले थे आज उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ये फिगर है 17316 यानी कुल मिला के सत्रह बुकिंग हुआ है और उसमें जो काउंटर फाइल्स आए हैं वो है 17316 यानी केवल तीन सौ उनतालीस हमारे पास में नहीं पहुंचे हैं लेकिन आ, मैं एक विशेष निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि यद्यपि यह तीन सौ उनतालीस का फिगर छोटा है कोई बड़ा फिगर नहीं लेकिन फिर भी आ, मुझे लगता है कि आ, इन लोगों को हमारे साथियों को तीन सौ उनतालीस लोग हैं उनका इसमें समावेश नहीं है क्योंकि काउंटर क्यों, फाइल्स नहीं है अपने पास में और हमने जो निवेदन किया था हमने जो नीति घोषित की थी उस नीति के अनुसार जो है यह कार्रवाई हो रही है लेकिन उनको निराश होने की जरूरत नहीं है जिन लोगों को आज के इस लकी ड्रॉ में शामिल होना संभव नहीं हो पाया उनको आने वाले जो लकी ड्रॉज है तीन लकी ड्रॉज है एक करोड़ का पुरस्कार एक एक लाख के सौ पुरस्कार और दो करोड़ का पुरस्कार इन तीनों लकी ड्रॉज में वो सम्मिलित हो पाएंगे और अगला जो लकी ड्रॉ करेंगे वो हम तब करेंगे जब हमारे पास में सारे काउंटर फाइल्स पहुँच जाएंगे तो मैं उन तमाम साथियों से मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं आप निराश मत होइएगा लेकिन ये खुशी की बात है कि लगभग सारे आ, कुछ को छोड़ के अभी जो फिगर बताया मैंने सारे काउंटर फाइल्स हमारे पास पे पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं ये ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में आ, ये सारे काउंटर फाइल्स यहाँ पर रखे गए हैं और इसके आधार पर हमारा यह लकी ड्रॉ संपन्न होगा मैं सबसे पहले एक बात जो बताना चाहता था कि हमारा जो उद्देश्य है इस लकी ड्रॉ को करने के लिए वो उद्देश्य बिजनेस से बढ़कर मिशन है हमने यह बोला था कि द बैटल ऑफ भीमा एक ऐसा विषय है जो इस देश की राजनीति को बदल सकता है इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदल सकता है और इस देश के जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है जिनको अपना इतिहास नहीं मालूम उनकी जिंदगी बदल सकता है उनके बच्चों की जो परवरिश है या उनको जो मिलना चाहिए वो मिलने के संबंध में बाबा साहब का जो विचार था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी अपना इतिहास अपना इतिहास नहीं बना सकते ये जो भावना बाबा साहब ने व्यक्त की थी भीमा कोरेगांव के शोर स्तंभ में जाके वही भावना हमारे मन में है हम चाहते हैं कि बहुजनों का इतिहास उनको मालूम होना चाहिए और इसीलिए इस फिल्म पर जो टोटल बजट है उस बजट में हमने प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में बड़ा हिस्सा रखा था और इसीलिए आप जानते हैं कि कोरोना काल होने के बावजूद हमने एडवर्टाइजिंग में प्रमोशन में कोई कोताही नहीं की कोई कमी नहीं की और इसलिए ये घर घर तक इस विषय को पहुंचाने के लिए हमने जो मेहनत करी है उसका हमें बेनिफिट हुआ है आज ये कह सकते हैं आ, गर्व से कह सकते हैं कि भीमा कोरेगांव ये विषय आज देश के कोने कोने में पहुंच गया है और ये फिल्म आने वाली है इतनी बड़ी फिल्म आने वाली है और बॉलीवुड में अभी तक की जो हो रहा है जो विषय आए हैं उन विषयों में यह सर्वश्रेष्ठ विषय होगा ऐसा मेरा मानना है क्योंकि यह सच्चाई और जो हमारे महापुरुष थे हमारे वीर लोग थे जिन्होंने इस लड़ाई में अपना खून बहाकर जीत दिलाई थी 500 सौ वर्ष से अट्ठाईस हजार ये जो ये जो लड़ाई हुई थी ये 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 सभी लोगों को देखना चाहिए और आप देखेंगे ये फिल्म जब आएंगी तब लोग ये महसूस करेंगे कि ये जो इतिहास हम तक अभी तक के नहीं पहुंचा था उस बड़े पर्दे पे आज वो सफल हो सकता है वो सबको मालूम हो सकता है और लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे ऐसा मेरा मानना है बहरहाल अभी कोरोना काल चल रहा है थिएटर्स बंद है हमने ये कोशिश करिए कि जल्द से जल्द जो है इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इंतज़ार इसलिए कि जो थिएटर्स अभी खुलने वाले हैं वो भी फुल कैपेसिटी से खुलेंगे या हाफ कैपेसिटी से खुलेंगे ये हमें पता नहीं है लेकिन हम फिल्म तभी रिलीज़ करेंगे थिएटर्स में जब फुल कैपेसिटी से थिएटर्स खुले होंगे क्योंकि हम चाहते हैं ये फिल्म नहीं है ये एक आंदोलन है ये संदेश है और यह संदेश लोग जो है जुलूस निकालकर ढोल ताशे नगाड़े बजाते हुए थिएटर्स तक जाए और खुद भी देखें अपने बच्चों को दिखाएं अपने परिजनों को दिखाएं अपने मित्रों को दिखाएं दोस्तों को दिखाएं और इस तरह से इस फिल्म का जो स्क्रीनिंग है वो हम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा लेकिन फिल्म बाद में आएगी हम उसके पहले लकी ड्रॉ कर सकते यह जो हमने घोषित किया था उसके अनुसार आज जो है पहला लकी हम, हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले हमने घोषणा की थी एक करोड़ पाँच लाख के इनाम मतलब पुरस्कार जिसका आज हम ये कर रहे हैं उसके बाद हमने फिर आ, एडिशन किए थे आपको कल मैंने बताया सारा तो सबसे पहला जो घोषित किया था निर्णय हमने उस निर्णय को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मुझे लगता है कि सारे लोग इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं और इस लाइव प्रसारण में आप यह महसूस करेंगे कि एक एक पुरस्कार जो हमको देना है उसका तरीका यह होगा सबसे पहले एक एक चिट्ठी यहां से निकाली जाएगी एक चिट निकाली जाएगी आपको वो नंबर दिखाया जाएगा अगर उस पर नाम लिखा है काउंटर फाइल पे तो नाम भी दिखाया जाएगा और फिर उसको उस पुरस्कार के साथ में स्टेपल करके अलग से हम रखेंगे उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद में सारे पुरस्कारों को हम एक कार्यक्रम करके कार्यक्रम आयोजित करके इस पुरस्कारों को जो विजेता होंगे उनको हम देंगे मानचिन्ह भी होगा और राशि भी होगी और जाहिर है हमें इनकम टैक्स के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए जो कटौती करनी पड़ेगी वो कटौती करके जो अमाउंट है वो हम हमारे विजेताओं को प्रदान करेंगे और हो सकता है हमारी फिल्म की जो स्टारकास्ट है उनमें से भी कुछ लोगों को हम बुला सकते हैं और उनकी उपस्थिति में और एक कार्यक्रम करके इन पुरस्कारों को हम देंगे तो अभी शुरू करते हैं सुधीर जी बिल्कुल, बिल्कुल और एक एक, एक, -एक पुरस्कार की हम ये घोषणा करते हैं सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज रहते राजा पुरस्कार 21 लाख का पुरस्कार है ये पुरस्कार है अब इस पुरस्कार के लिए मेरे दो सहयोगी हैं मैं इनको बुला रहा हूं यहाँ पे ये जितनी चिट्ठियां हैं वो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ऐसा करके ताकि एक आपको एक फील आ जाए कि सबको मौका मिलेगा तो आप आइए शाम और रुपेश आ जाइए इसको पूरा करें से देना। आप, से आप उठा के चले जाओ आ जाओ आ जाओ इसको ऊपर से नीचे कर लेना करो एक बार और पूरा ये भी इधर भी। और करो देखना नीचे गिर गया कुछ और घुमा दो Okay. तो इस तरह से अभी इसका आ, हमने आ, लेवलिंग किया है अब मैं, अब मैं मैं एक आ, चिट निकाल रहा हूं मेरी आंखें बंद कर रहा हूं आप देखिएगा और आंखें बंद करके एक चिट्ठी निकलेगी जो काउंटरफाइल है वो निकलेगा और वो विजेता होगा पहले पुरस्कार का छत्रपति शिवाजी महाराज रहे तेजा राजा पुरस्कार ये वो चिट्ठी है ये नम्बर। हाँ नंबर दिखा रहा हूँ नाम कितना है बबलू बबलू कुमार दास ये है वो देखिए यह धनबाद के साथी है बबलू कुमार दास और ये नंबर है ये नंबर देखिए इसको जूम इन करिए क्लोज ओके ओके अब मैं फिर से पढ़ता हूं इसको डब्लू कुमार दास है आ... हाँ नंबर बताता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट धनबाद के हैं इनका मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर भी लिखा है लेकिन नहीं तो बता रहा हूँ बता रहा एक मिनट बताइए इसका नंबर है वन फाइव एट डबल वन फोर इसका जो वीआईपी पास है डिस्काउंटर फाइल का उसका नंबर है वन फाइव एट डबल वन फोर ये पहला पुरस्कार है ये इनको पुरस्कार दिया जाता है ये इनको जाता है इसकी घोषणा हम लोग करते हैं भाई स्टेपल स्टेपल करिए स्टेपल भेजिए गई स्टेपलर 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 मुकेश जी महात्मा ज्योतिराव फुले सामाजिक समता पुरस्कार सेकेंड पुरस्कार है ये भी इक्कीस लाख का पुरस्कार है ओके okay? अब फिर से करिए आप वाटर प्लेस वाटर, वाटर, वाटर नीचे से करो से। और करो लाओ ऊपर पूरा पूरा देखना तुम भी करो ना करो ठीक है ओके okay. कैमरा है। hmm? hmm. मैं आग बंद कर रहा हूं मेरी ये hmm. yeah. है। प्रवीण है प्रवीण लिखा है पीएनसी hmm. लिखा है वोट इज पीएनसी है ना अच्छा नंबर देख लीजिए यह नंबर है डबल वन फोर थ्री फाइव नाइन नंबर पे झूम करो यहाँ पे थैंक यू चलो तो ये आ, प्रवीण जी है प्रवीण जाधव है मेरे ख्याल से क्या ही है ऐसा लगता है पीएनसी यानी कि पुणे तो नहीं है आई डोंट नो व्हाट इज दैट बट देन हिज मोबाइल नंबर इज सेवन थ्री जीरो थ्री नाइन फोर जीरो टू थ्री नाइन ये मोबाइल नंबर है और इनके आ, पास का नंबर है डबल वन फोर थ्री फाइव नाइन रखिए आप अब तीसरा पुरस्कार क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले आद्य शिक्षिका पुरस्कार अब फिर से फिर से इसको फिर से घुमाइए नीचे से ऊपर जाओ ठीक है चलो, okay. चलो अब मैं ये करता हूँ फिर से कार्रवाई जी ये है संतोष अब एड्रेस तो नहीं है इसमें नहीं वाराणसी वाराणसी से है ये और नंबर है थ्री फोर टू एट थ्री ये ओके चलिए तो एक बार फिर से बता दें संतोष इनका नाम है ये वाराणसी से नंबर थ्री फोर टू एट थ्री इनके पास का नंबर ठीक है ओके अब चौथा पुरस्कार है मान्यवर कांशीराम बहुजन गौरव पुरस्कार ये भी 21 लाख के लिए दिया जा रहा है इक्कीस लाख की राशि है और, और मानचिन्ह भी है इसके साथ में मैं फिर से वही प्रक्रिया को अपनाता हूँ और मेरे साथियों को कहता हूँ फिर से घुमाइए इसको अच्छे से करो अभी नीचे से ऊपर तक फ्रंट 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 करो आराम से करो ये इधर से ये करो ओके ओके चलो ठीक है अच्छा 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 गया अब मैंने नीचे से निकाले अभी मैं एक जो है केवल ऊपर से निकालता हूँ अब जो भी आ जाए और आंखें मैंने बंद कर दिए है आशीष गढ़पाल उमरी उमरी बालाघाट आई थिंक अच्छा कटंगी बालाघाट रखिए आशीष गढ़पाल है उमरी लिखा है इन्होंने उल्टा है नहीं, सही है नहीं सही है ना और ये नंबर ये करिए जूम करिए नंबर बताता हूँ टू सेवन थ्री टू नाइन हो okay? गया चलिए आशीष गढ़पाल उमरी टू सेवन थ्री टू नाइन ओके okay? अब पांचवा करने के पहले एक बात मैं बताना चाह रहा हूं देखिए मैंने कल मेरे निवेदन में कहा था कि अब तक जो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला जितना मिला ठीक है हम उसमें कोई आ, कोई शिकायत नहीं है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज में करोड़ों लोग हैं और इन करोड़ों लोगों में वो सक्षम लोग भी हैं जो सरकारी नौकरी में हैं सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको मिनिमम 20 से पच्चीस हजार तनख्वाह होती है और अगर आपको से पच्चीस हजार रुपये तनख्वाह है तो आपको 500 सौ रुपये मिशन का काम है मेरे दोस्तों ये मेरे घर का काम नहीं है मिशन का काम है बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी रमाई ने कुर्बानी दी थी तब लोग जाके हम लोग अभी सूट बूट में खड़े हैं बैठे हैं आप, आपके सामने आप लोग भी वैसे हैं भाई साहब मेरा निवेदन है ये इस चिट्ठी के साथ में कह रहा हूँ मैं मेरा निवेदन है पाँच सौ मिशन के लिए खर्च अगर करेंगे तो आप गरीब नहीं होंगे आप बड़े होंगे अमीर बनेंगे आप यह मिशन के लिए मैं कोई चंदा नहीं मांग रहा हूं चंदा मांगने वाले बहुत लोग हैं हमने हमने क्या कहा हम मेहनत की रोटी खाना चाहते हैं और ये, ये, इससे इस समाज को ताकत मिलने वाली है इसलिए इस फिल्म को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना और पांच सौ रुपए भी अगर खर्च नहीं करेंगे तो यह कि के के भाई हम तो पचास रुपये टिकट लेके जो है इस फिल्म को देखेंगे ये ठीक नहीं है मुझे इस बात की इस बात का दुख है कि जिनके पास पैसे नहीं है जो नौकरी में नहीं है वो तो ठीक है कोई बात नहीं उन्होंने नहीं लिया तो लेकिन जिनके पास में नौकरी है रुतबा है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उन लोगों ने भी पांच सौ रुपए का टिकट नहीं लिया है यह दुख की बात है और मैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई बात नहीं अभी तक नहीं लिया आपका कर्तव्य है कर्तव्य बोल रहा हूं मैं जैसा मेरा कर्तव्य है वैसा आपका कर्तव्य है आपका कर्तव्य पांच सौ का वीआईपी पास जरूर खरीदिए हर घर से एक वीआईपी पास खरीदना चाहिए जो सरकारी नौकरी में है या बड़े बिजनेस में है पांच रुपए खर्च कर सकते हैं अगर आप खर्च करेंगे तो मुझे ताकत मिलेगी मैं दो बार नहीं सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है मैंने सोच लिया है चाहे जो हो जाए आखिरी सांस तक बाबा साहब के रास्ते पे चल के जो कुछ चल कर जो है जो कुछ हमारे पास है जितना भी है वो सारा लगा देंगे ये फिल्म को रिलीज करने के लिए हमारे पास पूरी राशि का राशि का प्रबंध है व्यवस्था है हम इसको रिलीज करके कर, करके रहेंगे लेकिन इतनी बड़ी फिल्म बनाना वो भी बहुजन समाज का कोई व्यक्ति हिम्मत करके और रिटायरमेंट के बाद में जो मुझे सरकार से मिला था जो जो मिला है मैंने सब इसमें लगा दिया हमारे कुछ छोटे छोटे साथी है वो भी हमारे साथ में है ऐसा करके इसको फिल्म को बनाया है और बड़ी फिल्म है आपको आपकी कॉलर टाइट हो जाएगी आपको ऐसा लगेगा कि यह बात है यह बहुजन समाज की बात है और भाई साहब और मेरी बहनों को मेरे भाइयों को और बहनों को माताओं को बुजुर्गों को मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसे विषय को आप सपोर्ट करेंगे तो हौसला बढ़ेगा आज रमेश तेटे कई लोग आएंगे रमेश तेटे का विषय नहीं है अगर इसको सपोर्ट आपने दिया तो ऐसी फिल्में बहुत आएंगी और जो आप चाहते हो ना आपको पावर मिले आपका रुतबा बढ़े आपका समाज बहुजन समाज सशक्त बने अगर ये कहेंगे ना तो फिर आपको यह करना पड़ेगा और पांच सौ का रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं हर घर से जो नौकरी में है जो नौकरी पेशा में बिजनेस में है जो सशक्त लोग हैं, सक्षम लोग हैं, मैं उन सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं पांच सौ रुपए का वीआईपी पास जरूर आप खरीदिए यह मत सोचिए कि पचास रुपए का टिकट आने वाला है वो लेके हम ये करेंगे वो कोई बड़ी बात नहीं होगी बाबा साहब ने इसलिए अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दी थी उन्होंने कुर्बानी दी थी इसलिए हम बैठे हैं तो इसलिए निवेदन यह है बुरा मत मानना मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कल से वीआईपी पासेस की बुकिंग शुरू होने वाली है और कल से अभी इस प्रकार से बुकिंग नहीं होगी अब वेबसाइट पे बुकिंग होगी आपको तत्काल उसकी रिसिप्ट मिलेगी वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग कराइए और तत्काल उसका टोकन लीजिए उसका पीडीएफ अपने पास में रखिए वही आपका पास होगा आपको फिर ये इस तरह की बातें कि काउंटर फॉल ही नहीं पहुंचाए वो बात जो है आगे नहीं होगी और फिर आप जो बुकिंग करेंगे उसके जो स्लिप्स होंगी वो हम डाउनलोड करके फिर उन चीट्स को जो है इसमें डालेंगे और इस तरह से होगा तो कल से आप बुकिंग फिर से शुरू करिए और इस फिल्म को जो आपके घर का विषय है आपके स्वाभिमान का विषय है आपके जीवन का विषय है और विषय है मेरे बाबा साहब का इसको सपोर्ट कीजिएगा मैं आखिरी जो पुरस्कार है इस फिल्म के नायक इस विषय के नायक भीमा कोरेगा विषय के नायक सरदार सिद्धनाक इनामदार शौर्य पुरस्कार ये पुरस्कार है तो फिर से भाई चलो धीरे 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 ओके, okay. नाउ अब इस कोने से मैं लेता हूं यह है राजकुमार आजमगढ़ 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 हाँ आजमगढ़ से हैं। राज है राजकुमार नंबर है वन जीरो फोर थ्री सेवन फोर पहले इस तरह से दिखाता हूं आप ये नंबर देखिएगा ये आखिरी नीचे जो है ओके थैंक यू तो इस प्रकार से ये पांचवा पुरस्कार राजकुमार जी को गया है और ये आजमगढ़ के हैं और नंबर मैंने आपको अभी बता दिया जाए अब मेरे ख्याल से कार्यवाही की समाप्ति होने पर है मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आने वाले जो पुरस्कार है वो इससे बड़े पुरस्कार है आने वाला जो पुरस्कार इसके बाद जो होगा इसके बाद जो आ, इसके बाद जो आ, पुरस्कार होगा वो एक करोड़ का पुरस्कार और किनके नाम पे है बहुजन माता रमाबाई आंबेडकर रमाई ने क्या क्या कष्ट झेले हैं क्या 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 भोगा था उन्होंने जिसके आधार पर बाबा साहब हमको दिए और यह कृतज्ञता पुरस्कार है मैं इसका नाम जो है बहुजन माता रमाबाई आंबेडकर कृतज्ञता पुरस्कार इसको हम कहेंगे और रमाई के प्रति रमाई के चरणों में वंदन करते हुए आज इक्वालिटी न्यूज के इस स्टूडियो से मैं ये, ये ये कहना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में हमारे दिल में हमारे कार्य में हमारी हर चाल में हमारे बोल में बाबा साहब का वो जो त्याग है जो कुर्बानी है उनके परिवार की कुर्बानी है वो बसती है हमारे नस नस में बसता है और इसलिए जो कुछ भी करेंगे हम वो ऐसा करेंगे जिससे समाज को ताकत मिलेगी बहुजनों को ताकत मिलेगी और बाबा साहब का सपना साकार होगा जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और काउंटर फाइल्स के बारे में बता कि हैं हैं वो आ ही रहे तो उनको नेक्स्ट उसमें शामिल जी अब सुधीर जी ने एक सजेशन दिया है जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जिनके काउंटर फाइल्स अभी तक नहीं पहुँचे हैं तीन सौ उनतालीस बाकी है नहीं पहुँचे हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है हम अगले लकी ड्रॉ में उनको शामिल करेंगे आगे चार करोड़ की राशि है अभी तो एक करोड़ पाँच लाख ही हो गया आगे चार करोड़ की राशि है मैं चाहता हूँ कि यथावत रहेगी और ये 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 यथावत रहेगा ये बिल्कुल उसको ताला लगा के हम रखेंगे और आवश्यकता पड़ी तो फिर से एक एक काउंटर फाइल की वीडियोग्राफी करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए और हमारा साथ दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं आप हमारे साथ रहिए हम आपके साथ रहेंगे और इस समाज का भला होगा बाबा साहब का सपना साकार होगा धन्यवाद जय भीम नमो बुद्धाय नमस्कार ओके चलेट ओके